सभी को मेरा नमस्कार। मैं संगीता बनू अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण। अक्सर देखा जाता है कि अभी कोरोना वायरस जैसी महामारी में भी घर में एक मोबाइल उपलब्ध होने पर बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। उस एक फोन से बच्चों को आगे प्रेरित किया जाता था पढ़ाई के लिए और हमारी बालिकाएं अपनी शिक्षा से वंचित हो रही थी। तो आज हम लोगों को बैठ कर ये संकल्प लेना होगा और अधिक से अधिक आप लोग इस मुहिम को आगे तक ले जाएं, जहां हम बात कर रहे हैं हर कदम बेटी के साथ। इस मुहिम के माध्यम से हमको आगे लेके जाना है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, हमें कोई लिंग भेद नहीं करना चाहिए। और बेटियां जिनको हर माह मासिक धर्म होती है तो उसमें उनको और ध्यान हमें रखना चाहिए और साथ ही साथ उनके भरण पोषण खान पान का विशेषकर हमको हमारी बेटियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एक स्वस्थ व सुरक्षित बचपन की हम लोग नींव रख सके। क्योंकि ये जो बच्चियां हैं यही आगे जाके हमारे देश का भविष्य है। तो इस वजह से हम लोगों को ये संकल्प लेना होगा और आप सबको इस मुहिम में साथ आना होगा जिसमें हम बच्चों को चूल्हा छोंकना में छोटी छोटी बच्चियों को झोंक देते हैं उस पर भी हमको ध्यान रखना होगा कि घर गृहस्थी के सारे काम बच्चियों पर ना डाले जाए और बच्चियों को पढ़ाई के प्रति अग्रसर किया जाए और उनके खान पान और पोषण की वैसी ध्यान रखा जाए जैसे हम अपने बच्चे की रखते हैं। कुल मिलाकर लिंग भेद का जो भेदभाव है उसको दूर किया जाए और आप सब लोग इस मुहिम में साथ रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक स्वस्थ व सुरक्षित बचपन की नींव रख पाएंगे और एक स्वस्थ बालिका को आगे बढ़ पाएंगे। अब हमारे वापस स्कूल सेशन खुलने की जब बात आती है तो हम सब लोगों को एक साथ सामूहिक रूप से, चाहे वो बाल आयोग हो, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, चाहे जो रूम टू रीड हमारे कार्य कर रही है संस्था वो हो, उन सबसे मेरा विशेषकर ये रहेगा आग्रह कि हम सबको इस तरह की एक गाइडलाइंस साथ में बैठ कर वेबिनार के माध्यम से चाहे बैठक के माध्यम से तैयार करनी होगी कि दोबारा स्कूल खुलने पर किस तरह से हम शत प्रतिशत कार्य करें कि बच्चियां शत प्रतिशत स्कूल तक फिर से पहुंचे उसी ईमान के साथ, उसी जोश के साथ और अपनी शिक्षा प्राप्त करें। हर कदम बेटी के साथ, स्कूल ना छूटने देंगे। कृपया करके इस मुहिम से अधिक से अधिक लोग जुड़े और एक स्वस्थ व सुरक्षित बचपन की। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।